तो प्रश्न ये उठता है कि राजा भगीरथ बाद में गंगा जी को लेके आते हैं, तो वो गंगा जी उससे पहले राजा हरिश्चंद्र के समय पे कैसे थी? रविवार के कार्यक्रम को लेकर के मैं हमेशा से ही भ्रम में रहता था, अभी तक तो नहीं हूं, पर ये अब भ्रम मेरा धीरे धीरे टूट रहा है। जब मैं किसी एक व्यक्ति के प्रश्न को लेकर के कार्यक्रम में आता हूं, तो ऐसे ऐसे 10 लोगों के प्रश्न लेकर के आता हूं, तो 10 लोगों के कल्याण की बात होती है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे कार्यक्रम को लेकर के आऊं जिसको सुनने मात्र से ही, जिसके नाम स्मरण से ही व्यक्ति के कल्याण की भावना जागृत होती है और वो कल्याण में स्तुति को प्राप्त हो जाता है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए। ऐसे ही कुछ विचारों से प्रेरित होकर के मैंने आप लोगों को अब सोचा है कि कुछ पुराणों की कुछ बातें आप लोगों को प्रत्येक रविवार को बताया करूंगा। उस माह में कौन कौन से ऐसे कृत्य करने चाहिए जिसको करने से ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति बच जाते हैं, उसके दुष्परिणाम हमें नहीं झेलने पड़ते। कुछ ऐसे कितने सारे कृत्य हैं जिनके कर लेने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का फल मिल जाता है। पुराणों में ऐसी कई बातें हैं, आप स्कंद पुराण उठा करके देख लीजिए, पद्म पुराण उठा करके देख लीजिए, वाराह पुराण उठा करके देख लीजिए, नरसिंह पुराण उठा करके देख लीजिए, मतलब कितने पुराण हैं जिनको पढ़ लेने मात्र से कितने पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है और उनके कृत्य कर लेने से तो कल्याणी हो जाता है। तो आत्म कल्याण के साथ साथ जगत का कल्याण कैसे हो, यही भावना मुझे हमेशा से कचोटती रहती थी। और वस्तुतः इसी चीज को लेकर के मैंने सवाल जवाब वाले कार्यक्रम को भी शुरू किया था, और पता नहीं बहुत सारे इसी चीज से प्रेरित होकर के मैंने संस्कार वाले कार्यक्रम बनाए, ताकि ग्रंथ की जो बात है वो लोगों को समझाया जा सके। आज आपको मैं गंगा जी के अवतरण की कथा बताऊंगा। वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को गंगा जी का अवतरण धरती पे हुआ था। पर प्रश्न ये उठता है कि राजा भागीरथ ने अथक प्रयास और तपस्या से गंगा जी को धरा पे लाने का कष्ट किया था, और बड़े बड़े ही दुर्गम तपस्या किए थे उन्होंने, बड़े ही कष्टप्रद तपस्या करी थी, कई हजार वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया था। पर प्रश्न ये उठता है कि उनके ही पूर्वज रहे थे राजा हरिश्चंद्र, जो अपने सत्य की परीक्षा के लिए जब अपना संपूर्ण राज्यपाट उन्होंने दान दे दिया था, और घूमते घूमते जब वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पे आए, वो घाट का नाम बाद में पड़ा, उस घाट को बाद में बताया गया कि ये हरिश्चंद्र घाट है, लेकिन उसके पहले गंगा जी थी। तो प्रश्न ये उठता है कि राजा भगीरथ बाद में गंगा जी को लेके आते हैं, तो वो गंगा जी उससे पहले राजा हरिश्चंद्र के समय पे कैसे थी? इसका अर्थ ये होता है कि, या फिर दिमाग में ये बात आती है कि ऐसा नहीं है कि राजा भगीरथ ने ही इस धरती पे गंगा जी को लाया था, उससे पहले भी गंगा जी का अवतरण इस धरा पे हुआ है और वो वापस एक बार विलुप्त हो चुकी हैं। राजा भगीरथ के तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा जी इस धरा पे आई, और उससे पूर्व गंगा जी पहले भी थी और वो विलुप्त प्राय हो गई थी, या विलुप्त हो गई थी, धरती से उनका जाना हो गया था। इसी बात को जानेंगे। यहां पे मैं आपको पढ़ूंगा और आप बस चुपचाप सुनिए। देवी गंगा का महात्म्य किसी से छिपा नहीं है। अपने आदि भौतिक प्रारूप में धरा को सुधामय जल से आप्लावित करने वाली, आधिदैविक रूप में एक अंश से वैकुंठ में श्री विष्णु के साथ और दूसरे अंश से कैलाश पर शिव जी के साथ विहार करने वाली, एवं आध्यात्मिक रूप में देवताओं के लिए भी दुर्लभ मोक्ष देने वाली मूल प्रकृति स्वरूपा गंगा देवी के सानिध्य का लाभ प्राप्त करने के लिए देवता, असुर, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर जितने भी हैं पशु पक्षी प्राणी सब लालायित रहते हैं। आगे लिखा है, महाभागवत के अनुसार निम्न पांचों को मूल प्रकृति की पराविद्या का पंचधा स्वरूप बताया गया है, गंगा दुर्गा च सावित्री लक्ष्मीश्चैव सरस्वती सा सीता मूल प्रकृति है। मतलब गंगा, दुर्गा, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती और माता सीता, ये सब मूल प्रकृति हैं। अब आपको आगे बढ़ के बता देता हूं। हरिश्चंद्र के बाद, ध्यान से सुनिएगा, हरिश्चंद्र के बाद कई पीढ़ियों के अंतराल पर आने वाले महामना भागीरथी
जी के माध्यम से पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ था। तो हरिश्चंद्र जी स्वयं काशी में गंगा किनारे चांडाल वीर बाहू के यहां नौकरी करते थे। क्लियर है? यह तो समझा जा सकता है कि जिस घाट पर वे नौकरी करते थे उस घाट का नाम बाद में हरिश्चंद्र घाट पड़ा। हालांकि घाट तो पहले से ही था, नाम उसका बाद में हुआ क्योंकि वहां पे राजा हरिश्चंद्र ने स्नान करके अपने पितरों के निमित्त तर्पण आदि किया था। किंतु गंगा जी वहां आई कैसे, क्योंकि राजा भगीरथ तो बाद में थे और राजा हरिश्चंद्र पहले थे। उसके बारे में बात आती है कि जब महाराज हरिश्चंद्र सत्य की परीक्षा दे रहे थे और स्वयं को सपरिवार बेचने के लिए काशी पहुंचे तो उन्होंने गंगा जी में स्नान करके अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था और गंगा जी में डुबकी लगाई थी। अब सवाल उठता है कि गंगा जी में स्नान करके देवताओं का तर्पण किया, देवताओं का पूजन करके निवृत्त होकर वे चारों ओर देखने लगे। सुनिएगा ध्यान से, इस कथा को सुनने से ही, गंगा जी का स्मरण करने से ही साक्षात गंगा जी एक बड़ी अच्छी बात है। मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने एक कार्यक्रम में बात कही थी कि हमारे देवता, हमारे जो ऋषिगण हैं, हमारे जो देवता हैं, वो बस नाम लिया और वो प्रकट हो गए। नाम लेना ही उनका प्राकट्य है, अलग से कुछ नहीं होता। हमारे सामने अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है तो क्या बारहों ज्योतिर्लिंग उसमें विराजमान नहीं है? यह अपराध हो जाता है कि किसी को कम और किसी को ज्यादा बताया जाए। ठीक उसी तरीके से यहां पे लिखा है, देवताओं का पूजन करके निवृत्त होकर वो चारों ओर देखने लगे। उस दिव्य वाराणसी पुरी में प्रवेश करके पृथ्वीपति राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि यह मनुष्यों के उपभोग की नगरी नहीं है। आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, भगवान शंकराचार्य की बात है। जब आप किसी धार्मिक जगह पे जाते हैं और उस जगह का इस्तेमाल या प्रयोग आप अपने भोग और विलास के लिए करते हैं तो उस तीर्थ की महात्म की पराकाष्ठा कमजोर होती है और वो तीर्थ दूषित हो जाता है। क्या कही बात? अगर आप कितनी भी, जैसे सप्तपुरी है और जितने भी हमारे सनातन धर्म के तीर्थ हैं, वहां जाकर के अगर कोई व्यक्ति राग विराग भोग विलास वगैरह करता है तो वो अपने तो दुर्गम, अपने तो अपना तो मतलब निकृष्ट होता ही है, वो उस तीर्थ के महात्मा को भी प्रश्न चिन्ह लगा देता है और उस तीर्थ के क्षेत्र के प्रभाव को दूषित कर देता है। इसलिए कभी भी तीर्थ में जाने के बाद कभी भी भोग विलास और मनोरंजन आदि नहीं करना चाहिए, एडवेंचर वगैरह नहीं करना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। वाराणसी में जाकर लौकिक कृत्य नहीं करने चाहिए, वह मोक्षदा पुरी है, इसलिए वहां धर्म कर्तव्य ही उचित है, धार्मिक कृत्य ही करना चाहिए, दान पुण्य यज्ञ तपस्या ब्रह्मचर्य आदि का पालन ही करना चाहिए। आगे लिखा है, इसका उत्तर यह है कि गंगा जी केवल एक ही बार पृथ्वी पर आई हैं ऐसा नहीं है। भागीरथ जब गंगा देवी से पृथ्वी पर आने की प्रार्थना कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने दिव्य कमंडलू में तात्विक रूप से निवास करने वाली देवी गंगा जी ने शिव जी से कहा था, मैं शैलपुत्री पृथ्वी को छोड़कर देवताओं के साथ वापस स्वर्ग में जा चुकी थी, पृथ्वी को छोड़ दिया था और स्वर्ग को चली गई थी, वहीं अब कैसे पाताल को जाऊंगी, क्योंकि उन्हें स्वर्ग पृथ्वी और पाताल को भी जाना था, इसीलिए उन्हें त्रिपथ गामिनी भी कहा जाता है क्योंकि वो सबको आप्लावित करती हैं। तो पृथ्वी के बाद उन्हें पाताल भी जाना था, अतएव स्वर्ग पृथ्वी और पाताल में गति होने के कारण उन्हें त्रिपथगा भी कहा जाता है। ये क्लियर है? आगे क्या लिखा है, गंगा अवतरण के कई कारण हैं, जिनमें दो प्रधान कारणों का मैं उल्लेख आपको करके आज बताऊंगा। पहला, अब यहां से कथा शुरू होती है। सबसे पहले गंगा अवतरण तब हुआ था और जहां से गंगा जी का अवतरण हुआ था उसका नाम ही गंगावतरण पड़ गया, उस तीर्थ का नाम ही गंगावतरण पड़ गया। हिमालयस्थ इस तीर्थ का नाम कालिका पुराण में अनेकों बार आता है। जब पहले पृथ्वी पर गंगा देवी विद्यमान थी तो ब्रह्मदेव ने उन्हें हिमालय से मांग कर स्वर्ग ले जाने की इच्छा की। राजा हिमालय की पुत्री माता पार्वती और एक अंश से वही गंगा जी भी है, मतलब दो, गंगा जी और माता
गौरा, गौरी मैया। ब्रह्मा जी आकर के राजा हिमालय से ये कहते हैं कि आप मुझे गंगा जी को दे दीजिए। जब पहले पृथ्वी पर गंगा देवी विद्यमान थी तो ब्रह्मदेव ने उन्हें हिमालय से मांगकर स्वर्ग ले जाने की इच्छा की। अपने पिता हिमालय की सम्मति से गंगा देवी ने पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग जाने का निर्णय लिया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर विलुप्त हो गई। गंगा देवी ने पिता हिमालय से तो अनुमति ले ली थी, किंतु माता मैना से उन्होंने बिना मिले और बिना पूछे स्वर्ग को चली गई थी, बिना कुछ कहे चली गई थी। इतना खत्म और इतना क्लियर है। मतलब गंगा जी राजा भगीरथ के समय से पहले, राजा हरिश्चंद्र के समय पे थी। ब्रह्मा जी आते हैं, राजा हिमालय से विनती करते हैं कि मुझे गंगा जी को स्वर्ग ले जाने की अनुमति दीजिए। ऐसा करने पे राजा हिमालय ने गंगा जी को स्वर्ग जाने की अनुमति दे दी, पर गंगा जी ने अपनी माता मैना से इसकी अनुमति नहीं ली थी। तब माता मैना ने ये बात आगे क्या कही है। राजा हिमालय से आज्ञा प्राप्त करके गंगा जी स्वर्ग को चली गई, परंतु उन्होंने अपनी माता मैना से कोई आज्ञा ही नहीं ली थी। अब आगे की बात है। हिमालय की पत्नी मैना ने अपने प्राणों से भी अधिक प्रिया पुत्री को क्रोध में आकर शाप दे दिया, मुझसे बात किए बिना ही तुम स्वर्ग को चली गई, अतः जल रूप में पुनः इस पृथ्वी पर तुम आओगी। जब हिमालय और मैना मूल प्रकृति को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तब देवी ने कहा था कि मैं अपने दो अंशों के साथ अर्थात गंगा और गौरी के रूप में आपकी पुत्री बनूंगी। क्लियर है। उस समय वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को, ध्यान से समझिएगा, आज वैशाख शुक्ल चतुर्थी है और वैशाख शुक्ल सप्तमी यानी कि आज से 3 दिन बाद की वही तिथि है कि वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा देवी ने सगुणाकृति धारण किया और इसी दिन उन्होंने शिव जी की जटा में भी प्रवेश किया और पृथ्वी को भी धन्य किया। अब इसके बाद सुनिए। इसके बाद ब्रह्मदेव की याचना पर वे पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग लोक को चली गईं। एक बार उनका जाना हो गया, कब आई थी, वैशाख शुक्ल सप्तमी को, और जब वो दोबारा आई हैं तो कब आई हैं, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को, गंगा दशहरा जिसे कहा जाता है उस दिन। अब गंगा दशहरा वाली बात आती है कि हरिश्चंद्र महाराज के समय, बहुत गहरी बात है, हरिश्चंद्र महाराज के समय गंगा देवी इस पृथ्वी पर पहले से ही थी, उसके बाद विलुप्त हो गई थी ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र और बीच में सगर के 60,000 पुत्र और उसके 6,00,000 वर्ष बाद राजा भागीरथ। तो जरा सोचिए कि राजा सगर के 60,000 पुत्र और राजा भागीरथ के बीच में जो काल का प्रभाव है वो करीब 6,00,000 वर्षों का है, और राजा सगर से लेकर के राजा हरिश्चंद्र के बीच में और राजा भागीरथ के बीच में तो कई लाख वर्षों का अंतर है। आगे है, हरिश्चंद्र एवं भागीरथ के काल मध्य कई लाख वर्षों का अंतर है। स्वयं सगर के जिन पुत्रों के उद्धार के निमित्त गंगा देवी को लाने की बात थी, उन महाराज सगर और भागीरथ के मध्य भी 5,00,000 से अधिक वर्षों का अंतर हो गया था। राजा सगर से राजा हरिश्चंद्र कितने लाख वर्ष पूर्व थे और राजा हरिश्चंद्र से राजा भागीरथ कितने वर्ष, कितने लाख वर्ष बाद आए थे। राजा भगीरथ बाद में, राजा हरिश्चंद्र पहले, और बीच में राजा सगर के 60,000 पुत्र। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अतः इन्हें इतने दिनों में गंगा देवी का जल रूपी विग्रह विलुप्त होना कोई असामान्य नहीं है। राजा हरिश्चंद्र का वाराणसी में आना और तर्पण करना, गंगा जी में स्नान करना, दान करना, यह सब बहुत पहले हो चुका था। उसके बाद गंगा जी विलुप्त प्राय हो गई थी। वापस जाकर के गंगा दशहरा के दिन राजा भागीरथ के प्रयास से उनका प्रादुर्भाव पुनः होता है। अब आगे पढ़ता हूं।
गंगा देवी के भौतिक जल रूपी विग्रह के संबंध में अलग अलग घटनाओं का वर्णन है और कारण भी है। सबसे पहले तो वामनावतार की घटना है, जिसमें जब लोकव्यापी भगवान वामन भगवान के श्री चरणों से ब्रह्मांड कटा किंचित विदीर्ण हुआ और बाहर के इकारणों का दिव्य जल उनके चरणों को धोने लगा, उस अलौकिक जल को ब्रह्मा जी ने देव दुर्लभ जानकर अपने कमंडलों में रख लिया। इसीलिए देवी गंगा को विष्णु पादाब्ज संभूता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु पादाब्ज संभूता, क्योंकि भगवान नारायण के अंगूठे से उनका प्रादुर्भाव हुआ था। अब आगे बढ़ता हूं। यह घटना श्रीमद भागवत कथा में भी वर्णित है। अब दूसरी घटना क्या है उसे बताता हूं। दूसरी घटना यह है कि एक बार देवताओं का वैकुंठ में एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ था। वहां देवी सरस्वती ने अत्यंत मधुर गायन किया, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं ने नाना प्रकार के उपहारों के द्वारा उनका सम्मान किया। इसके बाद भगवान विष्णु के अनुरोध पर भगवान शिव ने गायन आरंभ किया। महादेव के गायन से देवताओं को इतना अधिक आनंद हुआ कि वे मूर्छित हो गए। स्वयं लीला रशेंद्र भगवान नारायण का विग्रह भी द्रवित होने लगा और वे जल रूपी बन गए, जिससे बैकुंठ भर गया। ध्यान से समझिएगा, एक उनके अंगूठे से निकला वो जल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रखा, और दूसरा जो वैकुंठ में अधिवेशन हुआ तो सरस्वती ने गायन किया और उसके बाद भगवान भोलेनाथ गाने लगे। उनका गायन इतना सुमधुर था कि सारे देवता पिघलने लगे, और जब पिघलने लगे तो साक्षात नारायण भी पिघल गए, और जब वे जल रूपी बन गए जिससे वैकुंठ भर गया। जल रूपी नारायण का स्पर्श होने से देवताओं को होश आया और ब्रह्मदेव ने उस वैष्णव जल को अलौकिक एवं परम पवित्र जानकर कमंडलू में फिर से भर लिया, जो बाद में गंगा देवी के नाम से विख्यात हुआ। यह कथा भागवत आदि में पढ़ी जा सकती है। ये इतनी सी बात है। और तीसरी प्रथा, जो तीसरा कारण है वो बाद में कभी बता दूंगा, फिलहाल आपको मैंने दो चीजें बताई हैं। कहने का अर्थ है कि हम लोग कई बार इन चीजों को जानते नहीं हैं। तो अभी तक मैं स्वयं भी यही जानता था बहुत पहले तक, अभी तक तो नहीं, ये तो बात मैंने आप लोगों को अभी बताई, पर मैं ये भी बता दूं कि ऐसे बहुत लोग होंगे जो गंगा जी के अवतरण को लेकर के राजा भागीरथ की कहानी ही जानते होंगे। उसके पहले के ये दो घटनाक्रम, जो वैकुंठ में अधिवेशन वाली बात थी, राजा हरिश्चंद्र वाली बात थी, मैना माता के द्वारा मिला गया शाप ये वाली बात, और उसके बाद वामनावतार वाली बात थी। ये चारों पांचों कहानियां मिल करके, और एक और भी बात है जो राधा और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम प्रसंग की है, वो अगले रविवार को बता दूंगा। पर आप लोगों को और भी तीन बातें बताता हूं। इस माह में वैशाख शुक्ल सप्तमी को दान अवश्य करिएगा, चाहे सोना, चाहे चांदी, चाहे तांबा, पीतल या अन्न या वस्त्र, कुछ भी अवश्य दान करिएगा। इससे ग्रहों का प्रभाव कम होता है, मतलब उनका नकारात्मक। और एक और तिथि आएगी इसी माह में, चतुर्दशी, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को अवश्य दान करिएगा। कुछ भी दान करिएगा, वस्त्र हो सके तो वस्त्र, जो आपके पास हो, फल फूल कुछ भी अवश्य दान करिएगा किसी ब्राह्मण को। और एक और तिथि आएगी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, इस दिन भी अवश्य दान करिएगा। ये अब मैं आप लोगों को हर महीने बताते रहने वाला हूं, और आप लोग वैसा ही करते रहिए। मैं पंचांग भी लिख रहा हूं, वो आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैं जो बैनर लिखता हूं वो आप लोगों को कैसा लगता है मुझे अवश्य बताइए। कुछ इसी तरीके से इस रविवार के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अगले रविवार को देखता हूं कौन सा विषय आप लोगों के सम्मुख, क्योंकि मैंने देखा कि बड़े बड़े जो दुर्दांत व्यक्ति हैं, उनके बारे में शम्स नाम के कोई पत्रकार हैं, वो ऐसे ही पेपर लेकर के बैठते हैं और उनकी दुर्दांतता की कथा करते हैं। वो कैसे भयंकर हुए, कैसे समाज को अपने निकृष्ट प्रभावों से प्रभावित किया। फिर तो ये गंगा जी की बात है,
फिर हमारे सनातन धर्म में ऐसे कितने लोग हैं जिनके बारे में जान करके हम खुश हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मकता से प्रभावित कर सकते हैं। शम्स की जुबानी वाली बात आप लोग सोचिएगा, आज तक है या पता नहीं कोई चैनल है वही वो उसे प्रस्तुत करता है। तो मैंने सोचा कि जब ऐसे खतरनाक लोगों के बारे में लोग बता रहे हैं तो ये तो हमारे जीवन के धन्य करने वाले लोग हैं, तो इनके बारे में क्यों ना बताई जाए। इसी चीज से प्रभावित होकर के मैंने आप लोगों को ये कार्यक्रम प्रस्तुत करने की बारे में विचार करा है और अब ऐसा ही होगा। कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम यूं चलता रहेगा, पर सवाल और जवाब वाला कार्यक्रम और प्रश्न और उत्तर वाला कार्यक्रम अब मैं लेकर के नहीं आने वाला हूं। जिन्हें देखना होगा वो यही देखेंगे और जो नहीं देखेंगे वो बस यूं ही रहेंगे। जय श्री कृष्ण। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।